जो मैंने इस वीडियो के टाइटल में और जो इसके थंबनेल में लिखा है ना, वो बिल्कुल सच है। जब से मैंने ये एनिमे देखना स्टार्ट किया था तो मुझे मूवीज देखने का मन नहीं करता था, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का मन नहीं करता था। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप जाके चैनल चेक कर सकते हो, लगभग एक महीने से मेरे व्यूज इस तरह से डाउन हुए हैं। ऐसा समझो कि ऑलमोस्ट चैनल जो है डेड पोजीशन पे आके पहुंच चुका है, और इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हो अपने आप से। देख लो भाई चैनल जाके, आपको समझ में आ जाएगा। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इस एनिमे का ना एडिक्शन हो गया था। मतलब हर एक दिन मैं कम से कम 30-40 एपिसोड लगातार देख लेता था। भाई मन ही नहीं भरता था देखने से, ऐसा लगता कि बस देखता ही जाऊँ, बट आंखें और शरीर दोनों ही थक जाते थे। बट मन कहता था कि नहीं भाई, और चाहिए, और देखना है। शरीर की हदों के आगे रुकना पड़ता था। तो इस तरह से भाई इस सीरीज़ को मैंने ख़त्म किया। समझ जाओ किस तरह का एडिक्शन लग गया था मुझे। आज तक मैं सिर्फ सुनता ही आ रहा था कि एनिमे ऐसा होता है, वैसा होता है, एनिमे देखना स्टार्ट करोगे तो मूवीज़ देखना भूल जाओगे, वगैरह वगैरह। बट मैंने कभी भी इस बात को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा कि भाई क्या है भाई, वही कार्टून टाइप की एनिमेशन, क्या ही देखूंगा मैं, क्या ही होगा उसमें देखने लायक। बट जब से मैंने एनिमे देखा ना, लिटरली यार मेरे तो होश उड़ गए। मतलब आई कांट इमेजिन कि यार एनिमे इतने ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकता है कि मैं मूवीज़ देखना भूल गया। लिटरली मूवीज़ देखने का मन ही नहीं करता था, बस मन करता था कि मैं पूरे दिन रात एनिमे ही देखता रहूं। बस रात आ जाती थी बीच में, अगर रात ना होती तो भाई मैं 24 घंटे सिर्फ एनिमे ही देखता रहता। लिटरली क्या बवाल चीज़ बनाई है दोस्तों, मतलब तबाही। मैं बात कर रहा हूँ नारुतो एनिमे के बारे में, और ये पहला एनिमे है जो मैंने देखा है। इसके पहले जो बचपन में आते थे टीवी पे वो देख रखे हैं, बट ऐसा पर्सनली कोई शुरू से एंड तक नहीं देखा। मतलब मैं एक ही बात बोलूँगा यार कि क्या एक्शन है, क्या स्टोरी है, मतलब जिस तरह के इमोशन इसमें देखने के लिए मिलते हैं ना यार, ज़बरदस्त, मतलब ज़बरदस्त। अगर मैं इस एनिमे के बारे में जितना बताऊँ ना उतना कम है, बट फिर भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ जिन्होंने कभी ये देखा नहीं है, इसकी स्टोरी बता देता हूँ। भाई नारुतो एनिमे की स्टोरी डिपेंड करती है निंजा वर्ल्ड के ऊपर, कि भाई निंजा वर्ल्ड किस तरह से काम करता है, जितनी भी वॉर्स होती हैं वो क्यों होती हैं, मतलब इसी के ऊपर सारी स्टोरी बताई गई है। और इसी सारी स्टोरी में मेन करेक्टर दिखाया गया है नारुतो। ये जो पूरी नारुतो सीरीज है, इसे ऐसा ज्यूम करो अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देख रखी है, जिसका एक अपना ही यूनिवर्स है, अपने ही मैप्स हैं, अपनी हर करेक्टर की बैक स्टोरी है, इतने अलग अलग सारे राजा हैं, उनके अपने अपने फौजे हैं। तो भाई सेम चीज़ इस नारुतो एनिमे के साथ है, इसका भी एक अपना ही इतिहास है। बहुत सारे राजा हैं, उनके पास एक अपनी ही शिनोबी की फौजे हैं, वो लड़ते हैं, मरते हैं, मतलब एक अपनी ही हिस्ट्री है। इसी सब के बीच स्टोरी फोकस की जाती है नारुतो के ऊपर। उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, अब वो कैसे इस पूरे शिनोबी वर्ल्ड से लड़ता है, उसे कैसे लोग ट्रीट करते हैं, वो कैसे अपने गोल तक पहुँचता है, यही सारी चीज़ें जो है हम लोग को इस वेब सीरीज़ में देखने के लिए मिलेंगी। और लिटरली सिर्फ नारुतो को नहीं, भाई जितने भी इसमें करेक्टर है ना, जितने भी आप लोगों को मेन मतलब बहुत सारे मेन करेक्टर हैं यार, हर एक मेन करेक्टर का ही एक अपनी बैक स्टोरी दिखाई गई है, वो भी एक दो मिनट की नहीं, चार पाँच एपिसोड भाई हर एक करेक्टर के ऊपर हैं। तो समझ लो कितनी ज़्यादा डीप तरीके से स्टोरी लिखी गई है, बनाई गई है, और साथ ही में इस एनिमे के अंदर इमोशन के साथ बहुत अच्छे से खेला गया है यार। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जिस तरह के इमोशन इसमें देखने के लिए मिलते हैं। फील नहीं होता कि हम लोग क्या कोई कार्टून या कुछ, मतलब बच्चे वाला कुछ देख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और इससे भी ज़्यादा मैं एक बात बोलूँगा, अगर आप लोगों को एक्शन देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो भाई लोग क्या कर रहे हो आप लोग अभी तक यार, इस सीरीज़ को देखो। एक्शन भाई एकदम इस तरह का एक्शन है ना यार, मतलब यू कांट इमेजिन, मतलब अगर आप लोगों ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा है। एकदम जो विलेन है इस सीरीज़ के, यार गॉड लाइक पावर है उनके पास भाई, वो हारते ही नहीं है भाई। हीरो कितना ही उन्हें मारे, कितना ही कुछ कर ले, बट वो मरने के लिए तैयार नहीं है, इतने पावरफुल वो हैं। मतलब मज़ा आता है यार देख के, फाइट्स देख के मज़ा आता है, ज़बरदस्त सीरीज जो है। जब नारुतो छोटा होता है वहाँ से स्टार्ट की गई है। भले ही आप लोगों को नारुतो सीरीज जो बचपन वाली है, फर्स्ट 200 एपिसोड जो है आपको थोड़े से हंसी वाले देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे नारुतो बच्चा रहता है। और नारुतो शिपुडन पे जब आप आओगे ना, जिसमें टोटल 500 एपिसोड हैं, तबाही भाई क्या बनाया है यार, ज़बरदस्त। और साथ ही में बीच बीच में थोड़ा हंसी मजाक भी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि लोगों की रियल लाइफ में भी होता है कि भाई थोड़ा बहुत हंसी मजाक, प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं सेम इस एनिमे में भी देखने के लिए मिलती हैं। और अब बात करते हैं कि आप लोग इस एनिमे को देख कहाँ पाओगे। तो भाई इसे देखने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। फर्स्टली जो नारुतो की पहली सीरीज़ है, जो कि 2002 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें टोटल आप लोगों को 200 या 220 के आसपास एपिसोड देखने के लिए मिलते हैं, तो वो जो एपिसोड हैं वो आप लोगों को हिंदी डब में ही देखने के लिए मिल जाएंगे सारे के सारे। आप लोग इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो देखने के लिए, या फिर अगर आप
के पास नेटफ्लिक्स है तो उस पर आप इजीली देख सकते हो। अब आते हैं सबसे फेमस सीरीज नारुतो शिपुडेन के बारे में। तो नारुतो शिपुडेन में आपको 500 एपिसोड देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि अभी तक कुछ एपिसोड डब ही हो रहे हैं, यानी कि 200 या 200 से पीछे अभी तक डब हो चुके हैं हिंदी में, जो कि आप लोगों को डेली जो है सोनी ये नाम के चैनल पे आता है, या फिर आप दूसरे तरीके से भी वगैरह डाउनलोड कर सकते हो जहाँ से आप चाहो। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। नारुतो शिपुडेन के कुछ एपिसोड जो हैं आपको हिंदी में नेटफ्लिक्स के ऊपर भी मिल जाएंगे, बट मेरे से वेट नहीं किया गया, मैंने हिंदी डब का इंतज़ार नहीं किया। मैंने मतलब अभी तक 200 के आसपास जो है हिंदी डब में रिलीज़ हुए हैं, मैंने उसके आगे के जो भी 300 एपिसोड हैं वो सारे के सारे मैंने इंग्लिश में देख के ख़त्म कर दिए। अब भाई उन एपिसोड्स को देखने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब पहले कुछ एपिसोड्स थे, मतलब मुझे 13 या 14-15 सीजन तक तो मुझे किसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मुझे एपिसोड मिल गए इंग्लिश डब में। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, नेटफ्लिक्स में भी आपको कुछ हद तक ही जो है इंग्लिश डब में देखने के लिए मिलते हैं, उसके बाद जो भी अगले सीजन से हैं वो सारे के सारे आपको और लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेंगे, जैपनीज में या फिर और लैंग्वेज में, बट इंग्लिश डब में नहीं थे। ऑफकोर्स आप लोगों को सबटाइटल इंग्लिश डब में देखने के लिए मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर, बट जो लैंग्वेज बोलते हैं वो इंग्लिश में नहीं थी, तो इसके लिए मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी वगैरह वगैरह, फिर फाइनली मुझे एक वेबसाइट मिली जिसमें कि मुझे सारे के सारे एपिसोड जो है इंग्लिश डब में देखने के लिए मिल गए, बट वहाँ पे पंगा ये था कि सबटाइटल नहीं थे, तो इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, तो मेरा काम तो चल गया। बाय द वे अगर आप भी चाहते हो उस वेबसाइट का नाम, तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, या फॉलो नहीं भी करोगे आपकी मर्जी है यार, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि वो वेबसाइट कौन सी है। और जब आप लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर वॉच करोगे नारुतो शिपुडेन के कुछ सीजन्स जो आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलेंगे, पर आप लोगों को VPN यूज़ करना पड़ेगा तभी जो है आपको कुछ सीजन्स इंग्लिश में देखने के लिए मिलेंगे, नहीं तो भाई वही जैपनीज में दिखाता रहता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, कंट्री बेस्ड जिस तरह से नेटफ्लिक्स के कंटेंट को बांटा गया है, कभी कभी यार बुरा लगता है। मतलब यार हम लोगों ने भी तो पैसे दिए हैं, हमारे साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए था, पर क्या करें यार, जो था वो था। तो मैंने कुछ सीजन जो है नेटफ्लिक्स के ऊपर देखे VPN यूज़ करके, उसके बाद मैंने वेबसाइट से देखे, तो नारुतो शिपुडेन मैंने कंप्लीट कर दी। और इसके आगे जो आप लोगों को बुरुतो नेक्स्ट जनरेशन सीरीज देखने के लिए मिलती है, उसे तो आप इजीली जो है नेटफ्लिक्स के ऊपर ही इंग्लिश डब में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब पता नहीं वो कितने एपिसोड इंग्लिश में हैं, बट मैंने कुछ देखे थे वो इंग्लिश में तो हैं अभी, मतलब वो अभी तक मैंने पूरी कंप्लीट नहीं की है तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो भाई अब बात करते हैं नारुतो के कुछ ऐसे करेक्टर के बारे में जिन्हें देख के भाई दिल खुश हो गया। तो फर्स्टली नारुतो खुद जो कि इस एनिमे का मेन हीरो है, उसके अलावा इसके बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे कि सास्के हो गया, सकुरा हो गया, हिनाटा हो गया, नेजी, शिकामारू, चोजी, और भी बहुत सारे करेक्टर हैं जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं जो कि नारुतो के दोस्त हैं। इन सभी करेक्टर की अपनी एक बैक स्टोरी है, इन सभी करेक्टर को देख के लिटरली मज़ा आ जाता है। कुछ ऐसे करेक्टर हैं जो इस सीरीज के बेस हैं, मतलब पिलर टाइप के करेक्टर बोल रहे हो, जैसे कि एक नाम है ककाशी हटाके। लिटरली यार इस बंदे को देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। साथ में भाई अगर एक विलन में जाओगे ना, पावरफुल विलन में, तो भाई मादरा उचीहा आता है भाई। उस बंदे के पास जो पावर देखने के लिए मिलती है ना, एकदम गॉड लेवल की, 1-2 लाख शिनोबी मिल करके भी उस बंदे को हरा नहीं पाते हैं, जबकि सबके पास पावर्स होती हैं, बट फिर भी वो उसे नहीं हरा पाते हैं। समझ जाओ कितना ज़्यादा पावरफुल है वो। इस मेन सीरीज का अगर कोई विलन है तो वो मादरा उचीहा ही है, और साथ में मादरा उचीहा जो कितना पावरफुल है, उसको सिर्फ एक ही बंदा हरा सकता है, वो है गॉड ऑफ शिनोबी सेंजू हाशिरामा। भाई लिटरली वो बंदा, उस बंदे का यूज ना पूरे सीरीज में होता है, शुरू से लेके लास्ट तक। बेचारे को मरने के बाद भी इस तरह से यूज किया गया है ना, मतलब क्या ही बोलूं यार उसके बारे में, वो हो गया। और इस सीरीज का एक ऐसा करेक्टर है जो कि लगभग बंदों का फेवरेट होगा, वो है इटाची उचीहा। भाई इस करेक्टर के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, जितना बोला जाए उतना कम है। मतलब इस बंदे ने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। लाइक इस बंदे ने अपने पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया, इस बंदे ने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला सिर्फ अपने एक छोटे भाई को छोड़ करके। बंदे का किस तरह का माइंड सेट होगा वो समझो, बट जब आप लोग इसकी स्टोरी देखोगे ना, इसकी बैक स्टोरी सुनोगे कि इस बंदे ने ऐसा क्यों किया, तो आप सोचोगे कि यार क्या बंदा था ये, मतलब। और भाई इतना ही नहीं, इस सीरीज़ में और बहुत ज़्यादा करैक्टर है जिनका यूज़ आप लोगों को लगातार देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि विलेन में एक और आता है ओरिचिमारू, जो कि भाई सांप की तरह दिखता है, सांप की तरह उसका करैक्टर बनाया गया है, कि अकाशकी करके ग्रुप बनाया है जिसमें जितने भी शिनोबी हैं वो सारे के सारे गॉड लाइक पावर रखते हैं वो सारे के सारे अपने पास, तो समझ जाओ। अब हमारा हीरो नारुतो जो है बच्चे से होकर कैसे सीखता है
कैसे शिनोबी बनता है, कैसे उन सब शिनोबी को हराता है जिनके पास गॉड लाइक पावर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये सीरीज बहुत ही अच्छे से दिखाती है। और मुझे नहीं लगता कि मैं इस वेब सीरीज में कोई कमी निकाल पाऊंगा। कुछ एक आध चीज़ को छोड़ करके वो ऐसा था कि जब भी किसी कैरेक्टर की बैक हिस्ट्री देखने के लिए मिलती है, बैक स्टोरी देखने के लिए मिलती है, मतलब बहुत बार जगह मुझे ऐसा लगा कि वो सेम बैक स्टोरी दिखा रहे थे जिसमें कि एक दो एपिसोड वो खा जाते हैं, मतलब एक दो एपिसोड तक वही दिखाते हैं। तो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है कि बार बार क्यों दिखा रहे हैं। बट अगर आप लोग उस चीज़ को गौर से देखोगे तो हर बार जितनी बार हर करेक्टर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है तो उसमें कुछ एक यूनिक चीज़ दिखाई जाती है जो कि हम लोगों ने पहले नहीं देख रखी होती है। तो भाई वो भी एक एक्सपीरियंस था। और इसके अलावा कुछ नरूटो की मूवीज़ भी रिलीज़ की गई हैं जो कि मैंने एक भी मूवी नहीं देखी है, पर मुझे पता है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी। तो भाई ये था पूरा इस एनिमे का सार, मैंने सब कुछ बता दिया जो भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया इस एनिमे के साथ। तो भाइयों अगर आप लोग चाहो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।